Yes. Hello everyone. Welcome to the video lecture. So today we are going to study about chemical bonding, and our today's concept is your hybridization, which is very, very important concept, not only for the class 11, but it is also important for the class 12 as well as for the competitive exam, right? So concept to proceed karte hain. Heading is hybridization. क्या है ये हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिड स्टैंड फॉर न्यू वैरायटी, राइट? हाइब्रिड वर्ड का मतलब ही क्या होता है? एक नई वैरायटी, राइट? न्यू, इनोवेटिव. हाइब्रिड को हम डेली लाइफ में रिलेट करते हैं किससे? सीड्स के साथ. दो अलग अलग वैरायटी के सीड्स को मिक्स किया और एक नई वैरायटी का प्लांट आ रहा है, बात समझे? दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड वैरायटी. ओके, इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल बोले तो क्या? जब हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल में हम डिस्कस करते हैं एस पी एंड डी ऑर्बिटल. एस पी डी ऑर्बिटल्स, राइट? एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल. पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं डंबल से, और डी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डबल डंबल से. This is your what? Sphere, dumbbell, and what? Double dumbbell. Okay. तो ये SPD क्या है? अगर हम बात करते हैं junior class की, class 10th की, तो उसमें classification of periodic elements की अगर हम बात करें, little bit study किया बच्चों, जिसमें S block, P block, D block and F block की discussion आई. Okay. जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एलिमेंट्स को सेटल किया गया. कहने का मतलब है अगर एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे स्फीयर. इंडिकेशन है, सिंबल्स हैं, डिसाइडेड है, राइट? एस डन. पी की बात करते हैं, लाइक हम बात करें एग्जांपल कार्बन की, कार्बन है, क्लोरीन है, व्हाटएवर, जो भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसे रिप्रेजेंट करने के लिए डंबल ड्रॉ किया जाएगा. डी ब्लॉक में बात आई कि लाइक मेटल्स की, आयरन है, निकल है, कॉपर है, वॉट एवर, तो उनके लिए क्या बनेगा? इस तरीके से डबल डंबल. ऐसे उन मेटल्स को या कह सकते हैं एलिमेंट्स को शो किया जाएगा. ये रिप्रेजेंटेशन होगी इन सिंबल्स के थ्रू से शो कर सकते हैं, राइट? तो ये हो गए जी ऑर्बिटल. तो अब करना क्या है? मैंने एग्जाम्पल लिया, जब एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, राइट, तो बात हो रही है एस ब्लॉक के एलिमेंट की, मतलब जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, व्हाटएवर. पी ब्लॉक के जब हम डिस्कशन करें, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट जैसे बात करें क्लोरीन की, पी ब्लॉक में क्लोरीन जैसा एलिमेंट एग्जांपल के तौर पर हमने लिख लिया. जब हाइड्रोजन विद क्लोरीन कंबाइन हो रहा है, दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन, राइट? इसमें एक एस ब्लॉक का एलिमेंट, दूसरा पी ब्लॉक का एलिमेंट कंबाइंड होगा. एच विद सीएल, एचसीएल कंबाइन हो रहा है. इसी तरह कार्बन विद हाइड्रोजन, तो CH4 बन गया बाय चांस. कार्बन प्लस हाइड्रोजन, क्या अगर इन्हें कंबाइन किया तो CH4 जैसे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट होंगे. अल्टीमेटली जब हम कोई भी मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें एक से ज्यादा एटम कंबाइंड होते हैं. हमने सीधा बोला कि हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करे और HCl बनाए, सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करे तो NaCl बनाए, कार्बन क्लोरीन से रिएक्ट करे CCl4 बनाए. तो मेन कहानी है, हमने एटम को कंबाइन किया. लास्ट हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, कि जब एटम एक दूसरे को अप्रोच करता है तो उनसे मॉलिक्यूल बनता है या नहीं बनता डिपेंड करता है उनकी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस पर. ओके, तो बात हो रही है कार्बन की, हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, सिलिकॉन की, व्हाटएवर. तो ये एलिमेंट जब एक दूसरे के नजदीक है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल में कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्योंकि इन शेल्स में, इन ऑर्बिटल्स में सारा खेल किनका है? इलेक्ट्रॉन्स का ही तो है. अगर स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रॉन्स यू रैंडमली मूव करेंगे, और अगर पी की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में अवेलेबल है. यहाँ बात करें तो इन लोब्स में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकते हैं. मेन कहानी ये है कि जब कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट से कंबाइंड होगा, तो उनके कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. ओके, मालूम चला जी? तो हाइब्रिड वर्ड का मतलब, हाँ जी, तो क्या बनेगी डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन? हम बोलते हैं इट इज द phenomenon of redistribution. Phenomenon of
redistribution of two or more orbitals and creating new orbital, newly word hybrid, okay, called hybridization. याद रखो, इट्स अ फिनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स, मिनिमम टू और मैक्सिमम टू से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, देन क्रिएटिंग अ न्यू ऑर्बिटल, नए को बोला हमने हाइब्रिड, दिस इज कॉल्ड योर हाइब्रिडाइजेशन. तो ये थी डेफिनेशन, राइट. तो हाइब्रिडाइजेशन टोटली बेस्ड है किस पर, इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर, राइट, वी कैन जज electron pairs and then identification of hybrid state is very easy. Overall, electron pairs consist of your bond pairs plus lone pairs, right? Agar hum electron pair ki judgment se kar, right? So hame hybridization state ki identification karna bahut easy ho jayega, right? Ye bond pair ya lone pair kya hota hai? Generally हमको एक एग्जाम्पल लेते, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, स्टेट फॉर्म कैसे बना, क्यों बना, इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें सीखना. अभी के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है और कैसे मेंशन होता है. जैसे हमने यहाँ देखा, ये मैंने एग्जाम्पल लिया वाटर का, राइट, दिस इज H2O. तो वाटर में एक्चुअल में ये सब प्रेजेंट है, ये क्या है, वन बॉन्ड सेकेंड बॉन्ड. इसका मतलब हम बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर है मेनली टू. How many lone pairs are there? Free electrons are there. जैसे ये first pair, ये second pair. So lone pairs हैं two. So how many electron pairs are there total? Electron pair क्या है? Bond pair plus lone pair. Total two plus two कितना हो गया? Four. तो हमने देखा electron pair कैसे judge किया? Totally four हो गए, जिसमें एक molecule में total bond pairs कितने हैं, lone pairs कितने हैं? उनका sum, that is your electron pair. तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने के लिए मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा. जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉन पेयर क्लियर हो गए उसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आइडेंटिफाई करना बहुत इजी लगेगा, ओके. हाँ जी, तो इसके लिए एक टेबल बना दें कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमें क्लियर है तो हम यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जज कर सकते हैं. जहां हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्लियर हो वहां पर हम इनकी ज्योमेट्री जज कर सकते हैं. ज्योमेट्री क्लियर तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर तक पहुंच पाएंगे, ओके. देखते हैं मिनिमम इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होने चाहिए, एटलीस्ट टू बॉन्ड तो हो. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर टू है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, S1 एंड P1. ज्योमेट्री लीनियर और स्ट्रक्चर, ये है सेंट्रल एटम और ये है स्मॉल एटम. टू इलेक्ट्रॉन पेयर है, एस और पी बोला, एस पी तुमने याद क्या करना है, देखो टू डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ईजी है. S वन से ज्यादा नहीं हो सकता, S सिंगल सबशेल होता है, राइट, और P में ऐसे सबशेल कितने होते हैं, थ्री, ओके. तो S1 P1 टू हो गए. लीनियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसे बना, ये देख लो लीनियर स्ट्रक्चर विजिबल है. देन इफ यू हैव इलेक्ट्रॉन पेयर थ्री देन S1 एंड P2, तो टोटल कितना हुआ, टू और वन थ्री. थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा ट्राई, क्या, ट्राइगोनल प्लैनर, यानी ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर. मिड में सेंट्रल एटम, देन वन टू थ्री. तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, ट्रायंगल जैसा बना. फर्स्ट स्ट्रक्चर लीनियर चेन है, एक स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रक्चर है. यानी ऐसा कोई भी एग्जांपल हम ऑब्जर्व करेंगे वेयर यू हैव टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स देन स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल शुड बी लीनियर, ओके. सिमिलरली if you have three electron pairs then structure must be what, triangle type structure. to hame structure banana seekhna hai, iski help se hum structure ki identification seekh pa rahe hain, geometry ka name jaan payenge. ek ek abhi ke liye table bana rahe hain, fir ek ek karke question attempt karte hain, different example ko hum focus karenge, dekhte hain ye sab kya hai. geometry structure actual mein banta hai aisa, jaise 4 hai electron pair, to s1 aur p3, 1 aur 3, 4 ho gaya. इसे बोलते हैं क्या, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो 1, 2, 3 एंड 4 ये हो गया जी टेट्राहेड्रल, राइट. टेट्रा मतलब 4,
फाइव अगर है तो एस वन बी थ्री डी वन, तो इसे बोल देंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल टाइप और बाई पिरामिड क्या होता है, ये है ट्राइंगल टाइप स्ट्रक्चर, पिरामिड पिरामिड होता है जैसे टेम्पल टाइप ज्योमेट्रिक पिरामिड, जैसे मान लेते हैं सरफेस है और ये हमने पिरामिड बनाना है, तो पिरामिड क्या होता है इसके इस तरफ ऐसे शेप है, बात समझो, पिरामिड समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, तो इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ यू हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ऐसे कई एग्जांपल्स अभी तुम देखोगे जिनमें तुम इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करोगे और इलेक्ट्रॉन पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, फाइव है तो एस वन, एस वन से ज्यादा नहीं हो सकता, पी थ्री से ज्यादा नहीं होगा, पी में थ्री सबशेल है ना, बात समझ रहे हो, इसलिए पी थ्री, और डी में अभी के लिए वन थ्री और वन फोर और वन फाइव, ऐसे हमने टोटल कर लिया। तो इसे देखते हुए ज्योमेट्री का नेम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये बना दिया हमने ट्राइंगल टाइप और ऊपर नीचे बाइपिरामिडल। इसी तरह इलेक्ट्रॉन पेयर अगर सिक्स है तो एस वन पी थ्री एंड डी टू, इसे बोलते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल, तो वन टू थ्री फोर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो बॉन्ड बन रहे ये बीच में डॉटेड लाइन बना रहा हूं, तो बना ये देखो स्क्वायर जैसा, स्क्वायर है राइट, स्क्वायर और उसके ऊपर की तरफ भी बॉन्ड है और नीचे की तरफ भी बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, मान चला कुछ ऐसे, ये हम कंसिडर कर देते हैं राइट, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल, ऊपर नीचे की तरफ बॉन्ड है, बीच में क्या है स्क्वायर बना हुआ, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। देन इफ यू हैव सेवन इलेक्ट्रॉन पेयर देन एस वन पी थ्री डी थ्री, दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो पेंटागन क्या होता है, वन टू थ्री फोर, देन ये हो गया फिफ्थ, यहां तक तो हो गया पेंटागन फाइव, देन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सिक्स और सेवन, तो टोटल सेवन है, एस वन पी थ्री डी थ्री, पेंटागनल बाइपिरामिडल, ये बना पेंटागन, पेंटागन क्या होता है स्क्वायर से नेक्स्ट फिफ्थ, तो पेंटागन ऊपर और नीचे की तरफ ये हो गया बाइपिरामिडल, क्या ना जी। तो अब तक ये एक टेबल है, इसका एक्चुअल क्या यूटिलाइजेशन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, क्या इसका हम पूरी तरह स्ट्रक्चर्स में ज्योमेट्रीज में रोल देख पाएंगे, तो फर्दर क्वेश्चन के थ्रू मालूम चलेगा इमीडिएट, यस। तो अभी के लिए हम लोग फोकस करने वाले एक स्पेशल क्वेश्चन पर which is totally based upon this hybridization, like we have this SF6 sulfur hexafluoride, right? We have to identify its geometry and we have to draw its structure. So kaise karte hain? Initially we have to write total number of valence electrons, okay? Sulfur, ab sulfur ke liye valence electron kitne hain, kaise judge karenge? Hame malum hai ki sulfur kis family ka, O S S P E P, ये क्या है शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, ओल्ड टाइल से टेपो, ओके ये है शॉर्ट ट्रिक, ओल्ड स्टाइल से टेपो, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज सिक्स, वी कैन राइट टू कॉमा सिक्स, डेफिनेटली सल्फर वाले केस में सिक्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी हैव टू पुट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली ऑलवेज राइट। बात हो रही है फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है नाइन, ये जो भी लॉजिक है, फिर कल बारात आई ऑस्ट्रेलिया से तो नाइन है तो टू कॉमा सेवन, बाकी सबके लिए भी क्या होगा सेवन होगा, नाइन है ना तो टू कॉमा सेवन, तो सेवन इंटू में सिक्स फोर्टी टू, टोटल आ गया फोर्टी एट, राइट नाउ वी हैव फोर्टी एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। जब हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखा था तब भी हमने इसी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इनिशियली कैलकुलेट किए थे, तो जब भी स्ट्रक्चर की बात होगी then valence electrons are useful, right? Now 48 electrons से आगे proceed करते हैं कैसे? 48 को पहले 8 से divide करें ताकि हम electron pairs calculate कर पाएं। 8 से divide क्यों? Octet rule के कारण। 8 into में 6, right? You have 6 electron pair, 8 से divide करते ही bond pair calculate करेंगे। Total electron pairs we have what? अगर हमारा रिमाइंडर बच जाता इसमें डिवीजन प्रॉपर ना होती तो लोन पेयर निकलता। मैं इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूं, डिवाइड 48 विद 8, 8 इनटू में 6 48, राइट, 8 से डिवीजन किया 6 बॉन्ड पेयर्स हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे हैं 6।
नाउ सिक्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखते हैं। सिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगा, एस वन पी थ्री एंड डी टू, थ्री और वन फोर और टू सिक्स हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। सिक्स को देखते हुए एस वन पी थ्री डी टू टोटल कर लो, थ्री और वन फोर और टू सिक्स, राइट डन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री का नेम क्या है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है, ऑलवेज यू हैव टू राइट एनी पर्टिकुलर रफ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हम एक्चुअल ज्योमेट्री, एक्चुअल स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़े। मिड में क्या है, सल्फर सेंट्रल एटम, हेड ऑफ द फैमिली, राइट। देन क्या बोला गया, सिक्स बॉन्ड, इसको देखते हुए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, फाइनली दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एस एफ सिक्स विच इज ऑक्टाहेड्रल। ओके राइट राइट, तो यहाँ अगर डिफरेंट एग्जाम्पल से आगे प्रोसीड करते हैं, यहाँ अगर हम हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल जो है वो सिक्स, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो ये टेबल हमने बनाई है उसी का हम यूटिलाइजेशन देख रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जज करना नेसेसिटी है, तो वी हैव वन मोर एग्जाम्पल लाइक PCl5। एज यूजुअल यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट अबाउट दिस पी फॉस्फोरस, तो शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदा, तो बात हो रही है फास्फोरस की, लेकिन इसके एटॉमिक नंबर की ओर जाने के बजाय नाइट्रोजन चेक कर लो बस, 2.5, तो फास्फोरस के लिए भी कितना हो गया 5। बात हो रही है क्लोरीन की, क्लोरीन वाले केस में हम फ्लोरीन चेक करेंगे, क्लोरीन अगर 9 है 2.7 है, तो क्लोरीन के लिए भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 7, तो 7 × 5 35, टोटल हो गया 40। यहाँ तक ओके जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होगा, राइट। इसके बाद हमारा पर्पस है इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करने का। इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सीधा सीधा 8 से डिवाइड करते हैं, ऑक्टेट रूल के कारण, स्टेबिलिटी की वजह से, 8 × 5 दैट इज 40, राइट। बस इसे देखते हुए हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, 5 है तो एस वन पी थ्री एंड डी वन, थ्री और वन फोर और वन फाइव। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री का नेम क्या होगा, ज्योमेट्री शुड बी व्हाट, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, राइट। इसका मतलब रफ स्ट्रक्चर देखें तो ट्राइगोनल मतलब क्या होता है, ट्राइंगल, ट्राइंगल बना दी ऊपर और नीचे की तरफ, बाय पिरामिडल, तो ये हो गया ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल और बाई पिरामिडल मतलब ऊपर और नीचे की तरफ बनना चाहिए। तो देखते हैं बीच में सेंट्रल एटम फास्फोरस, राइट। रफ स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग ही हम पुट करते जाएंगे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे ही ऊपर की तरफ फोर्थ और ये फिफ्थ, दिस इज योर व्हाट, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, नेम भी इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। ओके, डिफरेंट एग्जाम्पल हम लेते हैं, लाइक वी हैव व्हाट, लोन पेयर वाला एग्जाम्पल हम अब कंसिडर करते हैं, लाइक वी हैव IClC नेगेटिव, ऐसा कुछ फोकस अपॉन दीज क्वेश्चन, IClC नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन हो या क्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7, 7 × 6 42, -1 तो 1 ऐड करो, 43 प्लस 7 कितना हो गया 50, यहां तक क्लियर हो गया जी 50। ओके, आयोडीन हेक्साक्लोराइड हमें गिवन है, डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है IClC नेगेटिव, 50 हो गया। अब 50 के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर सीखने, ठीक है, इसको भी थोड़ा और इजी तरीके से बताओ, 50 को सिंपली डिवाइड करो 8 से, ऑक्टेट से, 8 × 6 48,
अब टू रिमाइंडर बच गया, एट से प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पा रही, तो ड्यूप्लेट रूल के कारण टू से डिवाइड कर सकते हैं, टू वन द टू, सिक्स बॉन्ड पेयर्स, वन लोन पेयर, एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बने, देख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन पेयर्स एग्जैक्टली आगे सेवन, समेशन ऑफ बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स, सो यू हैव इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेवन, राइट। अब सेवन है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एस वन पी थ्री एंड डी थ्री, थ्री एंड थ्री सिक्स और वन सेवन, राइट। जहां इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए फिर तो कोई इश्यू नहीं है, एस वन से ज्यादा नहीं होगा, पी थ्री से ज्यादा नहीं होगा, और फिर बारी है डी की, तो थ्री और वन, फोर और थ्री सेवन। बस जो नो डाउट जो हमें याद रखना है थोड़ा सा वो क्या है, रिमाइंडर चेंज भी होगा, रिमाइंडर टू का मल्टीपल होगा, ऐसा कोई केस नहीं है जहां यहाँ रिमाइंडर थ्री आ जाए, बात समझे, क्योंकि एक्चुअल बॉन्ड बन रहे हैं ना, पेयर की फॉर्म में है ना, दैट इज वाई। ओके, तो ये देखते हो याद क्या करना है, बस ये कि अगर हाइब्रिडेशन स्टेट तुम्हारे सामने लिखी है तो फिर ज्योमेट्री का नेम क्या है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनना चाहिए, नेम से क्लियर हुआ पेंटागन, यहाँ से वन टू थ्री फोर, ये हो गया फिफ्थ, बस बाई पिरामिडल मतलब ऊपर और नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, पेंटागोनल, ये है पेंटागन और बाई पिरामिडल मतलब ऊपर और नीचे की तरफ, तो इसे देखते हैं बस प्लेस करते हैं, मिड पे सेंट्रल एटम आई, कितने बॉन्ड पेयर, सिक्स बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर, सिक्स बॉन्ड पेयर है तो वन टू थ्री फोर, अब तक फोर हो गए, फिफ्थ सिक्स, सिक्स बॉन्ड पेयर को देखते हुए सिक्स सीएल एटम को हमने स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग सेटल कर दिया, रेस्ट ओनली वन लोन पेयर, इसे देखते हुए कहां का रह गया सिर्फ एक पेयर, दिस इज योर लोन पेयर, है ना जी, क्लियर हुआ, सिक्स बॉन्ड पेयर वन लोन पेयर, ये मॉडिफाई हो गया, लोन पेयर को हम फाइनल स्ट्रक्चर में कंसिडर नहीं करते, स्ट्रक्चर में सिर्फ ये बॉन्ड पेयर वाले केसेस काउंट होते हैं, तो इन्हें हम बोल सकते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल, और वो भी कैसा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मॉडिफाइड, डिस्टॉर्टेड इसलिए क्योंकि लोन पेयर थोड़ा थोड़ा रिपेल करता है इन बॉन्ड पेयर को, तो मॉडिफाई होकर बन गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, एक फिर से ओवरव्यू इसका, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन के लिए सेवन, क्लोरीन के लिए सेवन इंटू सिक्स 42, माइनस वन दो वन ऐड कर दिया, 43 प्लस 7 50, 50 को पहले 8 से डिवाइड किया, 6 बॉन्ड पर आ गया, रिमाइंडर अगर बचा उसे 2 से डिवाइड किया, 1 लोन पर आ गया, टोटल आ गया 7, 7 को देखते हुए S1, P3, D3, ये हमें याद रखना है, नो डाउट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री का नेम, अगर S1, P1 है तो लीनियर, SP2, 3 तो ट्राइगोनल, 4 तो टेट्रा, 5 तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 तो ऑक्टाहेड्रल, 7th पर आया पेंटागनल बाइपिरामिडल, ये है पेंटागन बाइपिरामिड, ड्रॉ कर देंगे, मिड में आई सेंट्रल एटम, बाकी सीएल एटम कॉर्नर्स पर, ऑक्टा पोजीशंस पर, एक लोन पर, ओके, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, राइट। हां जी, तो अब हम प्रोसीड करें नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, फोर्थ एग्जांपल, ओके, लाइक वी हैव व्हाट, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, राइट, तो क्या करना है, पहले की तरह टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन 7, 2.5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के लिए 4 इंटू में 1, 4 हो गया, प्लस 1 है तो 1 लेस कर दो, 9 माइनस 1, 8, अब तक हमने देखा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हो गए, 4 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए, प्लस 1 है तो 1 लेस कर दो, 8 हो गया, 8 अब तक क्लियर है, अब 8 को हम क्या करें, 8 को 8 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, स्पेशल केस आ गया, अगर 8 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, उसमें तो 1 ही आएगा, बट वी नीड एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट, तो क्या करें, तब इसको मजबूरन 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, 2 × 4 = 8, क्लियर है, तो अभी के लिए हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आगे, 4, तो यहाँ से बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर टोटल कितने हैं, 4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर में सब होते हैं, यहां से हमने देख लिया कि 4 हाइड्रोजन एटम है तो डेफिनेटली क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, ऐसा करने से लोन पेयर कितना आ गया, 4 माइनस 4 दैट इज व्हाट, दैट इज 0,
बस जहां इलेक्ट्रॉन पेयर मालूम चला उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एस वन और पी थ्री, वन प्लस थ्री फोर, विच इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। टेट्राहेड्रल हो गया तो रफली देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, वन टू थ्री एंड फोर, दिस इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बस इस ज्योमेट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मिड में आएगा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, बाकी पोजीशन पर हाइड्रोजन लाइक वन टू थ्री एंड फोर, दिस इज योर NH4, ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि टोटल पर चार्ज गिवन है। इस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को भी टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे, राइट। स्पेशल केसेस में से एक है, फिर से बता रहा हूँ, NH4 पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2, 5, 4 हाइड्रोजन के लिए हो गया 4 × 1, प्लस 1 है तो 1 लेस कर दें, प्लस 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इसलिए कम कर देंगे, 8, 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 × 4, 8, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर टोटल आगे 4, तो बॉन्ड पेयर है 4, लोन पेयर काउंट करने कितने आएंगे 4 माइनस 4 3, डन हो गया जी। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग sp3 तो टेट्राहेड्रल, टेट्रा के लिए रफ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनना चाहिए, पुट कर देंगे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, बाकी हाइड्रोजन एटम, टोटल पर पॉजिटिव चार्ज, आगे से टेट्राहेड्रल, राइट। लिसन अगेन, वन मोर स्पेशल क्वेश्चन इज देयर, यू ऑल हैव टू ट्राई नाउ बाय योरसेल्फ, यू हैव अनदर केस लाइक व्हाट IF5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, it is like IF5, again you have to calculate the total number of valence electrons for iodine, for fluorine, you have to use this short trick, circle 12i, Australia se 9 2 7, to sabhi ke liye kya hoga 7, iodine ke liye bhi 7 valence electron hai aur fluorine ke liye bhi 7 hai, 7 × 5 = 35, total ho gaya 42। अब अगर 42 है तो 8 से डिवाइड, 8 × 5 40, 2 रिमाइंडर, 2 × 1 = 2, तो 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, डन। 8 से ज्यादा है, 42 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 से डिवाइड किया 5 बॉन्ड पेयर, 2 से डिवाइड किया 1 लोन पेयर। अभी यहां इंडिविजुअली हमें मालूम चल पा रहा है हाउ मेनी bond pairs are there as well as lone pairs are there, okay, so total electron pairs are 6. ab agar 6 hain then you can identify the hybridization state which is s1 p3 and d2 3 or 1 4 or 2 6. isko dekhte hue geometry ka name octahedral, ab agar octahedral hai to kya karenge, pehle rough structure bana lo, 1 2 3 4 upar 5 नीचे 6, मिड में सेंट्रल एटम आई, 5 बॉन्ड पेयर्स, 1 2 3 4, ऊपर की तरफ 5, ऊपर लिखा है नीचे मर्जी तुम्हारी, इसको देखते हो 5 बॉन्ड हमने सेटल कर दिया और क्या है, एक लोन पेयर, अंडरस्टूड है, यहां जो बच गया उसकी जगह क्या आएगा, लोन पेयर, ओके। अब ये मॉडिफाई हो गया, वैसे बनना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल, अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर सेटल हो जाते, 6 बॉन्ड होते तो ऑक्टाहेड्रल कहते, अब ये मॉडिफाई हो गया, अब इसको बोलेंगे स्क्वायर एंड पिरामिडल, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल, ये है स्क्वायर, 4 साइड स्क्वायर, डन, और एक ही ऊपर की तरफ बॉन्ड है तो बन गया पिरामिडल, बात समझे, इसको बोलेंगे स्क्वायर, यानी बेस है 1 2 3 4 4 कॉर्नर और ऊपर की तरफ एक ही मोड़ है, दिस इज कॉल्ड पिरामिडल, दो तरफ होता तो ऑक्टाहेड्रल कहते, सिंगल है तो यूं पिरामिडल जैसी ज्योमेट्री ऊपर से बनेगी, ऐसी शेप रहेगी, तो इसको बोल देते हैं स्क्वायर पिरामिडल, डन। सो यू हैव वन मोर क्वेश्चन लाइक व्हाट ICl4 नेगेटिव, ओके, अनदर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन, That is ICl4 negative. हाँ जी, कैसे करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन 8 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, इलेक्ट्रॉन पेयर जज करो, ज्योमेट्री का नेम, स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाँ जी, तो लेट्स सी हाउ कैन यू सॉल्व इट, ICl4 negative यू हैव, नाउ टोटल नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 7 7 into 4 28 माइनस 1 तो 1 ऐड कर दो 36 टोटल हो गए। अब अगर 36 टोटल है तो 8 into 4 32 4 रिमाइंडर 2 2 4 हमने देखा 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स आर देयर तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 6 अगर 6 हैं तो s1 p3 d2 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग s1 p3 d2 तो ये हो गया जी तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है तो रफ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये ध्यान रख जो 4 बॉन्ड बना रहे हो ना वो इक्वल लेंथ के होंगे, ऊपर और नीचे जो भी रहता है वो लॉन्गर लेंथ के होते हैं क्योंकि इनको रिपल्शन मिलती है इसलिए लॉन्गर लेंथ के बनाए जाते हैं। मिड में है सेंट्रल एटम आई देन 1 2 3 4 चार कॉर्नर पर 4 बॉन्ड पर सबसे पहले सेटल करो, ऐसा करने से ये स्टेबल हो जाता है, ऐसा करने से ये स्क्वायर बन जाता है इस वजह से बस। अब ऊपर और नीचे की तरफ क्या था 2 लोन पेयर, ऊपर नीचे तरह लोन पेयर बनाएंगे फर्स्ट और ऐसे ही सेकंड पूरे पर 4 दिस इज कॉल्ड व्हाट स्क्वायर प्लानर। खाली स्क्वायर ही तो बचा, लोन पेयर तो इंक्लूड होंगे नहीं तो खाली स्क्वायर जो है दिस इज योर आंसर। ओके ऑप्शन में हमें ढूंढना होगा तो फाइनल मॉडिफाइड स्ट्रक्चर आंसर में मिलेगा, ये रॉन्ग माना जाएगा, ऑक्टाहेड्रल नहीं है इसका स्ट्रक्चर, ये लोन पेयर की वजह से मॉडिफाई होकर स्क्वायर प्लेनर एक्यूरेट आंसर करता है। ओके तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ जिनके लिए आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाने तो ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग केस फॉलोइंग कंपाउंड। हमें दिया गया यहाँ पर ICl5- या ICl5 देन SF4 and ICl2- I3- then XeF4 XeF6 XeOF4 right? कुछ एक केसेस हैं ये सब लोगों ने ट्राई करने H3O+ right? और NH3 okay? तो इन पर कई तरह के जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कभी लोन पेयर काउंट करना है, कभी बॉन्ड पेयर काउंट करना है, कभी इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना है, कभी ज्योमेट्री का नेम करना है, कभी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बताना है, ऐसे करके कई तरह के क्वेश्चन इन पर बन सकते हैं। ओके तो इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इन सब स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी डेफिनेटली जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है स्टडी करने वाले राइट। ओके तो यहाँ आकर इस वीडियो लेक्चर को ब्रेक लगा रहे हैं राइट, इससे रेलेवेंट स्ट्रक्चर को अच्छे ढंग से सभी को कोशिश करनी चाहिए। ओके चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।